ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी ये हमारे लिए बहुत बढ़िया अमेजिंग रही है। और हम क्या करेंगे मैं वही बताना चाहूँगी। हमने वहाँ पे सीखा टीच लेस लर्न मोर। हमने पढ़ाना नहीं है बच्चों को, हमने उनको इतना सिखाना है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करेगा और बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चा सीखे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो। सेकेंडली हमने वहाँ पर सीखा टीच ए पर्सन नॉट ए सब्जेक्ट। हमने बच्चे को पढ़ाना है, हमने उनको इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने हैं, हमने उनको सिखाना है। सो हमने बच्चे को समझना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा सिखाना है कि जो उसके लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंसेस हैं जो उसके उसमें उसकी जो लर्निंग है वो काम आए। थर्डली पेयर ऑब्जर्वेशन। तो हम अपने टेबल पर जब ये डिस्कस कर रहे थे तो हमारे कदम्बरी मैम और हमारे अलका मैम ने जो हमें बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में ये चल रहा है पेयर ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक टीचर जो है जब वो अपनी क्लासरूम टीचिंग में पढ़ा रहा होता है तो दूसरा टीचर उसको आराम से ऑब्जर्व करता है, तो इससे वो सीखता है। तो ये अपने स्कूलों में हम डेफिनेटली करेंगे कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट देंगे जिसमें बच्चा सीखे। हमने बच्चे को सब्जेक्ट नहीं कराने, हमने उनको सिखाना है नेक्स्ट के लिए और एक पेयर ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम बहुत सुंदर। माईसेल्फ विश्वा कीरत, प्रिंसिपल फ्रॉम लुधियाना। सबसे पहली चीज़ जो मैं वहाँ से सीख के आई हूँ वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द स्कूल टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड टुवर्ड्स देयर डिपार्टमेंट। मे बी दैट इज़ हेल्पर, मे बी दैट इज़ टीचर, मे बी दैट इज़ प्रिंसिपल। सो कमिटमेंट इज़ मस्ट। सो वी विल इम्प्रूव अवर कमिटमेंट टुवर्ड अवर डिपार्टमेंट एंड टुवर्ड अवर स्टूडेंट्स। सेकेंड, डिपार्टमेंट विल गिव अस मिशन। एवरी प्रिंसिपल हैव डिफरेंट विजन एंड डिफरेंट गोल for that mission. So every school is same but different, because mission sare anda same hai, sabka same hai, but har ek principal ka apna vision hai aur apna ek goal hai us mission ke liye. Third, they prepare their students for the future, not for the yesterday. Hum apne bachchon mein itni moral values create karenge ki agar hamare bacche Punjab se bahar padhne ke liye jayenge तो वो पढ़ के वापस पंजाब आए पंजाब को सर्व करने के लिए। सो ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपने बच्चों की मॉरल वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, और वो मॉरल वैल्यूज उन बच्चों में हमें देखकर ही आएगी। हम अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी कमिटमेंट्स इंक्रीज करेंगे तो बच्चे हमसे ही सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं ट्रेनिंग करने गया हूँ, मेरे पूरे गाँव में जिन्हों साढ़े पंजाबी कह देने ब्याह वर्गा माहौल आ। तुसी जाके मेरा पिंड विजिट करो, प्रेस वाले भेज के देखो, सारा पिंड जड़ा है मेरे स्कूल नू साफ करन आ गया। और मैं दसना चाहूँगा मान साहब कि 5 किले मौके दी उन्होंने डोनेट करते एलिमेंस मेरे स्कूल ही जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बन जा रहे। थैंक यू वेरी मच। तो मेन पॉइंट मैंने वहाँ से सीखा है कि वो वहाँ पे ऑनरशिप बहुत है। जब भी वो 4 लाइन भी बोलते हैं तो 4 लाइन में 2 बार उनका था हमारा सिंगापुर, माई सिंगापुर। और जो कोई टीचर भी बोलता तो माई प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल बोलता तो माई सुपरिटेंडेंट। तो ऑनरशिप है, पेटर्निटिज्म है, नेशनलिज्म है। तो शायद वो इसी कारण तरक्की कर रहे हैं कि उनका कोई सेल्फनेस नहीं है, सेल्फ मोटिव नहीं है, नेशनल सबसे ऊपर है। और तो दूसरा, उनका जो बॉस है वो बॉस नहीं है, वो सपोर्टर है। वो कभी बॉस वाला इंस्पेक्शन वाला काम नहीं करता, वो सपोर्ट करता है टीचर को। प्रिंसिपल सपोर्ट करता है, प्रिंसिपल को सुप्रिटेंडेंट वो सपोर्ट करता है, तो उनको मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, जो हमारे भी वैसे हो रहा है पंजाब में। ये सारी चीज़ें पहले से हो रही हैं। और टीचर जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, जो टीचर की प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल की हायर अथॉरिटीज़ के साथ उनकी गेट टुगेदर होती हैं, स्कूल में होती हैं, स्कूल के बाहर भी होती हैं और आउट ऑफ द कंट्री भी होती हैं, तो वो रिलेशन बिल्डिंग जो हमारे शुरू हो चुका है तो इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। थैंक यू।